चुनावी साल में आंदोलन की राह पर कर्मचारी और प्रदेश भर में नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन हड़ताल पर है। बालाघाट जिले के 174 नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। हड़ताल से जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। संविदा व ट्रेनी नर्सिंग स्टाफ के भरोसे अस्पताल की सेवाएं संचालित हो रही हैं। हो जाना चाहिए था, एक इंचार्ज की वजह से दूसरी मैट्रन की हो जाना चाहिए था जी। और हम लोग ऐसे ही रिटायर हो जाएंगे। हम लोग कोरोना ने भी मरमर के काम किए, लेकिन उस समय भी सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। काम करवाती है लेकिन हमें आश्वासन भी नहीं देती है कि तुम्हारा ग्रेड बढ़ेगा, कि तुम्हारा पेंशन बढ़ेगा, कुछ नहीं। अभी तो आंदोलन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जिले भर से आए हुए हैं, पूरे जिले से आए, खैरलांजी, बैहर, लालबर्रा, सब जगह से आए, पूरे जिले से, सभी जिलों में। अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी आप तक पहुंचा है बात करने के लिए? नहीं, कोई पहुंचा नहीं। और हम खुद कलेक्टर में आए हैं अभी ज्ञापन देने के लिए, लेकिन यहाँ गेट लगा हुआ है, गेट भी नहीं खोले। और हम यहाँ पे कम से कम 1.5 किलोमीटर से आए हमारे हॉस्पिटल से, उसके बावजूद भी यहाँ पे गेट का ताला लगा हुआ है और हमको बाहर खड़ा कर दिया गया है। यानी आपकी बात सुनने भी तैयार नहीं है? तैयार नहीं हो रहे हैं। जबकि कलेक्टर मोदी को तो होना। हमने क्या, मेरा नाम श्रीमती अनीता मुरकुटे है। मैं और मेरी सारी सिस्टर दीदी लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बालाघाट से, अन्य पीएससी सेंटर से आई हुई है। इतना पैदल चल के कड़ी धूप, और आज बरसात भी होती तो आते, क्योंकि महोदय जी से मिलने के लिए आए, कलेक्टर महोदय जी से, और जिले के अधिकारी हैं, उनका पूरा बनता है कि ज्ञापन सौंपने के बाद मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहे हैं? अभी लंच का टाइम है, हम खड़ी रहने तैयार है, हमारे बड़े हैं, हम रहेंगे, पर बराबर गेट खोलिए। हम आए हैं, हम किसके पास अपना देंगे सर? इसके लिए हम गवाह करने आए कि चलो हमारी कुछ सुने। क्यों नहीं सुन रहे हैं? ताला क्यों लगा है? गेट पे ताला लगा दिए जिसके कारण आप अंदर नहीं जा पा रहे। हम अंदर नहीं जा रहे हैं। जिले के कलेक्टर पूरे के मुखिया होते हैं, सुनने का अधिकार है, सुनना पड़ेगा, दरवाजा को ताला खोलना पड़ेगा। यदि आपकी बात आज भी नहीं सुनी जाती तो इस पर आगे क्या रणनीति होगी? सर बोलिए, आपको क्या बोलना है पूछिए। यदि आज भी आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आपकी आगे रणनीति क्या होगी? आज की रणनीति कुछ नहीं होगी। रणनीति मतलब लड़ाई होती है। हम तो सारे अच्छे मन से आए हैं। हम पूरा तब तक नहीं होगा, अनिश्चित काल हड़ताल होगी, चक्का जाम करेंगे। हम नारी शक्ति है, हमें मोदी जी से मिलने का पूरा अधिकार है। मैडम आपका परिचय? सर मेरा नाम अनीता मेश्राम है जी। किन मांगों को लेकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर 10 सूत्री मांगे है हमारी सभी लोगों की, उसको हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर हमको गेट पे, सेकंड गेट पे चाहिए सर, नाइट अलाउंस चाहिए, वेतन विसंगतियाँ है हमारी सर, हम लोगों को एक भी पदोन्नत नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल भी हमको ये नहीं मिल रहा है। और दूसरे कॉलेजों की अपेक्षा हम लोगों की वेतन विसंगतियाँ है सर, ओल्ड पेंशन योजना, ऐसी 10 सूत्री मांगे है सर। स्टूडेंट के लिए भी रखा है सर हमने, उनकी भी जो स्कॉलरशिप है वो बढ़ाई जाए। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।